तो देश की सुरक्षा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिंदुस्तान पर इस्लामिक आतंकवाद का खतरा लगातार बना हुआ है। फ्रांस के विरोध के नाम पर भारत में खतरा बना हुआ है आतंक के मोर्चे पर। दरअसल में प्रदर्शन की आड़ में साजिश की आशंका जताई जा रही है। एंटी सीए प्रदर्शन की तर्ज पर विरोध की साजिश की जा रही है। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की खास नजर है। कई मुस्लिम संगठन सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान में किस तरीके से जो शांति है उसको डिरेल किया जाए, हिंदुस्तान में किस तरीके से किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए, इसकी तैयारी की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुमान, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? रुमान, अगर आप सुन पा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आप साझा कर रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी? तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली की सुरक्षा एजेंसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुछ मुस्लिम संगठन दिल्ली में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। जिस तरीके से फ्रांस के विरोध के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी प्रदर्शन की आड़ में कुछ हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां खास नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुमान, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल, एजेंसी ने तमाम देश के तमाम राज्यों की पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि तमाम ऐसे लोगों पर नजर रखें जो ऐसी स्थिति में जो हालात है उनको बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जो गैर असामाजिक तत्व हैं और देश विरोधी ताकतें हैं वो लगातार सक्रिय हो गई हैं, ऐसा अलर्ट में कहा गया है, क्योंकि फ्रांस में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश वो शक्तियां कर सकती हैं जो कि एनटीसीए प्रोटेस्ट में भी शामिल रही हैं और इसके अलावा हाथरस के समय भी एक्टिव हो गई थी। तो सीधे तौर पर तमाम राज्यों की पुलिस को और एलआईओ को निर्देश दिए गए हैं, खुफिया एजेंसीज को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे लोगों पर तमाम नजर बनाकर रखें जो देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश में जुटे हुए हैं फ्रांस के नाम पर, क्योंकि फ्रांस में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन फ्रांस के खिलाफ हो रहा है और देश के अलग अलग शहरों में हो रहा है, उसमें भी कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिससे पता चला है कि कुछ शहरों में कुछ जगहों पर होने वाला जो विरोध प्रदर्शन था वो स्पॉन्सर्ड था, उसके लिए फंडिंग की गई थी और सीधे तौर पर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको देखते हुए तमाम एजेंसियां सतर्क हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। तो भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ा खबर, बड़ी खबर, बड़ा अलर्ट हमारे सहयोगी रुमान यहाँ पर साझा कर रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद का खतरा हिंदुस्तान पर भी है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इस वक्त आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि यूएन की तरफ से पूरी दुनिया के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दुनिया के कई देशों में लोन वुल्फ अटैक का खतरा बना हुआ है। इस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यानी आतंकवाद के मोर्चे पर चुनौती इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। फ्रांस के बाद, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बयान के बाद आतंकी हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। और इसी के मद्देनजर अब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया है, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए ये भी बताया गया है यूएन की इस एडवाइजरी में। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।